हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिश्चित एक्सप्लोरर में। आज हम एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग के साथ साथ उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे आपके साथ। वो ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कार है तो ये आपके लिए आइडल है, क्योंकि ये कार के लिए एयर फ्रेशनर है। एयर फ्रेशनर वो है जो ऑर्गेनिक आप बोल सकते हो, ऑर्गेनिक बोलिए आप, हर्बल बोलिए, क्योंकि इस फ्रेशनर के अंदर जो आप एक्चुअली यूज़ करोगे वो है एसेंशियल ऑयल्स। और ये ना जस्ट आप एक कार में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, या रिगार्डलेस अगर मैं बोलूँ एक टर्म्स में, तो आप इसको घर पे किसी भी प्लेस पे, अगर आपको वहाँ पे वो अरोमा चाहिए, वहाँ पे वो एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे उस प्रकार की आपकी चॉइस की एक फ्रेग्रेंस हो, जैसे लैवेंडर, मैं बोलूँगा लैवेंडर इज़ जस्ट एक सूदिंग रहता है, एक माइंड कंट्रोल कामिंग, तो उस हिसाब से आप उसको, इसमें तो कंपनी का जो आता है उसमें आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ आता ही है, बट उसके अलावा उसके साथ आपको चाहिए उसको ही रिफ़िल कीजिए, या तो आप उसको छोड़ गया आप अपना रिफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेके इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने इसकी आप देख सकते हैं, मैंने इसकी सील तो खोल दी थी, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि भाई वो प्रोडक्ट हमने जो ऑर्डर किया है वो आया है बराबर से। ये इसकी इनवॉइस स्लिप, ओके, ये रहा इसका बॉक्स। ये देखिए द कैंडलस्केप कार फ्रेशनर, जो मैंने ऑर्डर किया है वो आपको ऑर्डर किया है, जबकि इसमें मुझे लैवेंडर अवेलेबल नहीं था, अगर क्योंकि मेरी चॉइस लैवेंडर है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वो कामिंग सूदिंग, इट जस्ट एक मूड फ्रेश हो जाती है, उससे एक स्ट्रेस लेवल को भी आपके कंट्रोल करती है। तो जब भी आप ड्राइव कर रहे हो या आपके घर पे भी, जैसे कि मैंने बताया आपको एक जस्ट एक सूदिंग कामिंग चाहिए, तो आप इसमें लैवेंडर डाल सकते हैं, आप कोई भी अलग एसेंशियल ऑयल का फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ दिए हुए हैं इस बॉक्स के पीछे कि हाउ टू यूज़ इट। तो आप देख सकते हैं इसमें कि, चलिए मैं इसको इमेज को तो छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता हूँ कि अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वाह, तो ये हमारे कंटेंट्स हैं इसके अंदर के, ये दोनों, ये जो है छोटा सा रिफिल पैक है और ये मेन हमारा डिफ्यूजर है। तो इसको हम रख देते हैं एंड देन इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है बबल रैप में, क्योंकि ये एक्चुअली ग्लास बॉटल है और ग्लास बॉटल में आपका मेन क्या होता है, आपकी वेस्टेज नहीं होती किसी भी टाइप की। तो आप इसमें जो भी एसेंशियल ऑयल अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इसमें उसकी वेस्टेज कुछ भी नहीं आएगी। ये देखिए बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं बॉटल पे, जो कलर्स दिए हैं बहुत ही वाइब्रेंट है और एक्चुअली आप अगर इसको फील करोगे तो टेक्सचर्ड फिनिश है। तो बेसिकली हमें करना क्या है इस डिफ्यूज़र को, तो अगर आप इससे कार में यूज़ करने वाले हैं, कार में यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे एक बीट दिया हुआ है, आप उसकी हेल्प से आपको एडजस्टिंग के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर जस्ट इन केस आपकी कार में आपके रियर व्यू ग्लास पे कुछ ऑलरेडी हैंग्ड है, तो ज़रूरी नहीं है आप इसको वहीं पर हैंग कर सकते हैं, आप इसको कहीं भी कार में आपके डैशबोर्ड की एरिया में, जहाँ पर अगर आपको एक कुछ क्लियरली एक जगह हो जहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, तो आप इसे सीधा रख सकें, मेक श्योर कि एक जहाँ पे भी रखोगे आप इसे सीधा रखना है, जस्ट इन केस आपको एक लग रहा हो कि उसके गिरने के चांस हो या क्या, तो मैं एक बात सजेस्ट करूँगा, आप यहाँ पे एक डबल साइडेड टेप का टुकड़ा लगा दीजिए और वहाँ पे इसे स्टिक कर दीजिए। तो क्योंकि जो ये वुडन का ऊपर जो इसको दिया हुआ है ये कैप, इस कैप से ही इसकी अरोमा, जो इसका एसेंशियल ऑयल की जो मेन वो बाहर आता है, वो इसके थ्रू ही आता है। जब भी आप इसको यूज़ करने वाले हो, लेट्स से जैसे हम इसका रिफ़िल पैक को हम इस पर ऐड कर देते हैं, तो हमें सबसे पहले इसको खोलना है और आप ये लिड देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सीलिंग लिड है, हम इसे निकाल देंगे क्योंकि इसमें अभी ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं ऑयल है, एक्वा ऑयल है। तो हम इसे लिड को निकालेंगे, फिर इसे बंद करेंगे कुछ इस तरह से, एंड द नेक्स्ट थिंग वी डू, इसको हम
कुछ देर ऐसे पकड़ेंगे उल्टा अपसाइड डाउन। जब हम इसे अपसाइड डाउन ऐसे पकड़ते हैं तो वो जो एसेंशियल ऑयल है वो इस वुडन कैप में सोक्ड हो जाता है और उसी वुडन कैप से ही वो आपकी कार को एक फ्रेश फील या वैसे हमेशा कंटिन्यू रखता है। और अगर हम बात करें इसकी रिफिल की तो ये जो 10 ml का रिफिल है 10 ml इसमें लास्टिंग रहती है 60 डेज की। तो हम बात करें अगर आप देखोगे तो इस बॉक्स पे भी दिया हुआ है इसको अप टू 60 डेज। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इसको कार में हम लगाने के बाद कैसे लगता है। और कार में आप लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। और अगर आप अपने वार्डरोब में या कहीं पे भी आप रखते हो तो आपको वहाँ पे भी ऐसे ही दिखेगा। और ये ऑल वेदर परफॉर्मेंसेस है क्योंकि आप अगर इसको कहीं पे भी कार में यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसकी अगर धूप आती है तो उससे इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे मेन बात इस प्रोडक्ट की जो है यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स, क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं है, केमिकल फ्री है, तो इसमें कुछ भी ऐसे केमिकल्स नहीं है जिससे आपको कुछ परेशानी हो सके वो फ्रेग्रेंस से। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जो आपको ऑयल बेस्ट लगे वो आप ले सकते हो, नहीं तो लैवेंडर इज़ जस्ट परफेक्ट, नेचुरल ऑयल्स हैं। और इसमें ज़ीरो वेस्टेज है क्योंकि जब भी आप, जैसे मैंने बताया, इसमें अगर आपकी फ्रेग्रेंस कम हो गई है तो आप इसे अपसाइड डाउन कीजिए फिर से सीधा कर दीजिए, जैसे ये कैप सोक्ड हो जाएगी फिर से आपका फ्रेग्रेंस आ जाएगा कार में। ये मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। इस बॉटल की शेप्स इतनी ब्यूटीफुल हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं। आपको अलग अलग बॉटल्स पर डिपेंड करता है, आप नेसेसरी नहीं है कि आप वो पर्टिकुलर बॉटल ही शेप आपको मिले, क्योंकि जो मैंने एक्चुअली जब मैंने ऑर्डर किया मैंने जो शेप देखी बट मुझे शेप कुछ अलग आई है, बट स्टिल ये बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटल है, छोटी सी है बट बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटल है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि ये डिफ्यूज़र को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इस नॉट जस्ट आपकी कार, आप इसको अपने घर पे काफ़ी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये हार्मलेस है, ये 100% नेचुरल ऑयल्स आप इसमें डाल रहे हो, एसेंशियल ऑयल्स, और आप अपनी चॉइस से अपनी फ्रेग्रेंस चूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है बहुत इस डिफ्यूज़र का, क्योंकि इसमें आपकी चॉइस से आएगा। वैसे क्या होता है, आप एक वनीला ऐसे वैसे कुछ आपको ये मिलते हैं उसमें स्ट्रॉबेरी, पर उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल फ्री है, क्योंकि ये 100% नेचुरल ऑयल एसेंशियल ऑयल से है। और ये जो हमने ऑर्डर किया है वो हमने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। और ये जो हमने ऑर्डर किया आई थिंक 300 के आसपास ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और आप जब भी ऑर्डर करते हैं आप देख सकते हैं जो हमने मंगाया है वो अक्वा है, पर उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप कौन सा फ्लेवर या कौन सी फ्रेग्रेंस आप चूज़ कर सकते हैं। तो चूज़ करने के टाइम अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वो पर्टिकुलर यूज़ नहीं करनी हो जो इसमें आपको ऑलरेडी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, वो आप यूज़ करके इसका रिफिल नहीं यूज़ करके आप रिफिल की जगह पे अपनी चॉइस का ऑयल डाल के आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोडक्ट से, इस रिव्यू से सेटिस्फाइड हैं, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हैं तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस प्रोडक्ट के, कि आपको इस यूज़ करने से आपको कैसा लगा, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। हमें बहुत खुशी होगी कि जब हमें एक कमेंट्स आते हैं और वो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोज़ से किसी प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं, तो ज़रूर आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपके मैसेज का वेट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही वहाँ पे छोटा बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे फ्यूचर वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, और हमारे बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ हैं जिनकी प्लेलिस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की हुई है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।